जमशेदपुर के उत्तरी करंडी पंचायत में इन दिनों भू माफियाओं का बोलबाला चरम पर है। जहां 3 साल पहले सरकार द्वारा पंचायत भवन के लिए आवंटित भूमि को भू माफियाओं ने अतिक्रमण कर रखा है, इधर शिकायत पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होता देख मुखिया संघ ने अंचल कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि 3 वर्ष पहले राज्य सरकार द्वारा उत्तरी करंडी पंचायत में 27 डिसमिल जमीन पंचायत भवन के नाम पर आवंटित की गई, पर वर्तमान समय में लगातार भू माफियाओं द्वारा आवंटित सरकारी जमीन को अतिक्रमण कर बेचा जा रहा है। क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधियों ने कई बार इसकी शिकायत अंचलाधिकारी से और उपायुक्त से की, पर किसी तरह का कोई निष्कर्ष नहीं निकला, जिसके बाद सभी पंचायत प्रतिनिधि आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो सभी राज्य के मुख्यमंत्री से शिकायत करेंगे। पंचायत मंडप के लिए भूमि आवंटित की गई थी, उसमें जो है ना भू माफिया द्वारा उसको अतिक्रमण किया जा रहा है। इसके संबंध में हम लोग ने पहले भी अंचल कार्यालय को हम लोग लिखित दिए हैं, वहाँ के जो मुखिया है सुमित सोरेन जी, और उसके बाद हम लोग डीसी को भी वहाँ लिखित दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आप सोच सकते हैं कि हमारा जो है सरकार का जितना भी कार्य होता है एक पंचायत कार्यालय में वहाँ के आम जनता की सुविधा के लिए जब बनाया जाता है वहाँ कितनी आसानी से काम होती है, लेकिन आप आज देखिए स्थिति इस तरह से बन गई है कि पंचायत के मुखिया को, पंचायत के जनप्रतिनिधि को अपना जो है पंचायत के लिए जो भूमि आवंटित की गई है उसको अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए उसको धरना पे बैठना पड़ रहा है। आप सोच सकते हैं कि उन्हें कैसे एक दिन आ गया है एक गाँव की सरकार को अपने जमीन बचाने के लिए धरना प्रदर्शन में। अच्छा, ये भूमि आवंटित कब हुई थी? ये भूमि आवंटित हो गई थी आपको 1-2 महीना पहले से, तीन साल पहले जो ये भूमि जो है अंचल, जब अंचल कार्यालय को लिखा गया है कि मुझे पंचायत मंडप बनाने के लिए भूमि आवंटित कीजिए, तो अंचल कार्यालय के द्वारा उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि जो है जितना भूमि जो है 27 डिसमिल जो है पंचायत कार्यालय के लिए आवंटित की गई है, बावजूद जो है वह धरले से काम हो रहा है, रात को भूमि मुखिया जो है मशीन लगा के काम कर रहे हैं। न्यूज विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा, अब बनाए इंडिया को मजबूत ज्यादा। Wish you all a very, very happy new year. दिल्ली पब्लिक स्कूल एडमिशन गोइंग ऑन, RTE से भी एडमिशन जारी है। CCTV से लैस क्लासरूम, अत्याधुनिक लाइब्रेरी और लैब की व्यवस्था, योग्य शिक्षक म्यूजिक टीचर संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। गर्ल्स बॉयज के लिए हॉस्टल, RO के जरिए पेयजल समेत तमाम मूलभूत सुविधा, तो जल्द कराएं अपने बच्चों का एडमिशन। दिल्ली पब्लिक स्कूल।